આછા માલપુવા, આની અંદર માલ જ એટલો પડ્યો છે અને એટલે જ એને માલપુવા નામ આપવામાં આવ્યું છે. પહેલા તો આપણા સબસ્ક્રાઇબર और ये है रबड़ी. રબડી તે જેટલી તારીફ કરે ઉતની ગમે. નમસ્કાર દોસ્તો, મિત્ર કેમ છો? મજામાં હું છું. આપનો દસ કમલેશ મોદી મોરબીથી. પંડિતજી આમ કો લેકે આયે હલવાઈ ગલી મેં. યે હલવાઈ ગલી ક્યું બોલા જાતા હૈ? મોદીજી દેખે યહાં પર ક્યા હોતા હૈ, હર દુકાન એક અલગ અલગ ખાને પીને કે આઈટમ કે લિયે ફેમસ હૈ. ક્યા બાત કર રહે હો જી? કિસી કા સબકી અલગ અલગ. હા, કિસી કા માલપુઆ ફેમસ હૈ, કિસી કી રબડી ફેમસ હૈ, કિસી કા કલાકંદ ફેમસ હૈ, કિસી કી નમકીન ફેમસ હૈ, કિસી કી કચોરી ફેમસ હૈ. મતલબ ઓર હર ચીજ એકદમ શુદ્ધ તરીકે સે બનાઈ જાતી, પ્યોર ઘી મે બનતી હૈ યહાં પે. તો ઇસી વજહ સે ઇસ જગહ કા નામ હલવાઈ ગલી. યે બહોત પુરાની હોગી ના? યે બહોત પુરાની હૈ ઓર આપ એકદમ સામને દેખ સકતે હૈ પુષ્કર કા એક ગૌઘાટ, જો સબસે મુખ્ય ગૌઘાટ કહેલાતા હૈ, ઉસકે એકદમ સામને વાલી યે લાઈન હૈ હલવાઈ ગલી. હલવાઈ ગલી ઓર ઇસ સમય હમ અભી ખડે હૈ ચૌધરી જી કી રબડી, ચૌધરી રબડી વાલે. ઇનકા પુરાના નામ તો વહી હૈ. અબ આજ મેને પહેલી વાર દેખા, ઇન્હોને શિવ મિષ્ઠાન ભંડાર કર દિયા હૈ. અબ શાયદ પુરાના નામ તો ચૌધરી જી કે નામ થી હા, ચૌધરી રબડી વાલે. ઓર આજ ભી લોગ ઇન્હે ચૌધરી જી કે રબડી વાલે કે નામ થી હી જાનતે હૈ. આ જાઓ પંડિત જી, આજ ઉપર હી આ જાઓ. પંડિત જી ક્યા ક્યા ઇસમે આજ ખાયેગે હમ? વેલ, ખાને કી તો પંડિત જી કી ઈચ્છા હૈ, સારે કા સારા માલ ચટા દે હમ. ક્યા હા, પર તો હો જાયે દોનો ડિશ. ये वो है, क्या है? ये गाजर का, गाजर का हलवा. हाँ, गाजर का हलवा. हाँ, ओके. और ये है रबड़ी. रबड़ी और इनका होता है कलाकंद भी फेमस, वो शायद खत्म हो गया. वेल, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मोदी जी, लोग चला करके आते हैं और इनकी रबड़ी, इनका कलाकंद और गाजर का जो हलवा है वो टेस्ट करना, मतलब चला करके आएंगे और इसको खाने के लिए मूड बना के आते हैं. क्या आम के दिनों में आम का कलाकंद? हाँ, गर्मियाँ जैसी आएगी तो आम का कलाकंद. अच्छा, बनाना शुरू. और ये क्या है अभी? ये कलाकंद है. कलाकंद जी, दूध, शक्कर और ढेर सारी इसमें इलायची डली हुई है. इलायची का फ्लेवर बहुत आ रहा है. कलाकंद क्यों बोला जा रहा है इसको? ये तो मावा ही लग रहा है. हाँ, मावा ही है. कहीं इसको मावा बोला जाता है, कहीं इसको कलाकंद बोला जाता है. ये मावा मुझे, हम आ रहे थे अजमेर से, उसकी याद दिला रही है. वो एक गांव था, गांव का नाम क्या है? 180 दुकान है. यही मावा और वेफर और डांगियावास. हाँ, डांगियावास, सही पहचान, सही सही. मैं कल उसको शूट करके आया. क्या बात है, हम जा रहे थे, इतनी सारी दुकान देखी. हाँ, और मैंने सोचा ये कुछ तो है. मैंने सोचा चाय पानी मिलता होगा. हाँ, हाँ, फिर वहां पे तो मावा फेमस था. नहीं नहीं, बहुत फेमस और बहुत उसी की तरह है. हाँ, मगर इसमें उसमें फर्क कितना है, वो इलायची नहीं डाल दे. हाँ, इलायची डाला. हाँ, हुआ है. हाँ, और मतलब एक एक दुकान पर आठ आठ दस दस वो भट्टियां. हाँ, चालू होती है. हाँ, और ये है रबड़ी. रबड़ी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है. एक गाजर का हलवा दे दे. मोदी जी, यहाँ पर हमारे यहाँ पे सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी, पुष्कर की हर दुकान पे जब आप कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे तो आपको एक तरीके से खाना पीना पड़ेगा. जिस तरह से मेट्रो सिटीज में आप कहीं भी हाथ लगा देंगे, कर देंगे तो चले, नॉट लाइक दिस. यहाँ पर आप किसी चीज को छू नहीं सकते, झूठा हो जाएगा. हर चीज का क्या है, क्यों तीर्थ स्थान पर स्पेशली ब्राह्मणों का रहना होता है. यस यस, तो उनका वो तो बनता ही है. एक अंदाज अलग तरीके से होता है. एक यहाँ पे फिर नागद्वारा, नागद्वारा तो बहुत स्ट्रिक्टली है. हाँ हाँ हाँ. और ये गाजर का हलवा, क्या बात है. इसको थोड़ा बहुत ज्यादा पकाया नहीं है. और उसमें जो मावे की मिठाई और काजू मिठाई देखिए कितना लिमिटेड है. लिमिटेड है.
और उसमें जो पानी छूटा हुआ है वो रखा हुआ है। पानी नहीं है, घी है। हाँ, जो गाजर का हलवा बनाते हैं उसको पूरा सूख देते, मगर आपने वो उसमें घी निकला हुआ है ना। घी डाला ना, जो निकला हुआ है। हाँ, मैं तो बोलूंगा गाजर का पानी निकला है ना। घी तो है ही, सबसे बढ़िया उनका गाजर का हलवा और वो जो रबड़ी, रबड़ी वो बहुत बढ़िया। अभी आप इसको चलता हूँ, मैं रबड़ी चलता हूँ। चालू रखिए, आज दूसरी हलवाई पर जाते हैं। चलो, पंडित जी अब कहाँ पे जाएंगे हम? मोदी जी, अब हम आए हैं सर्वेश्वर स्वीट्स पे, जिन्हें पूनम चंद जी की फेमस दुकान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वेल, यहाँ तो आपको ये कहना पड़ेगा यहाँ का क्या खास नहीं है। क्या खास नहीं है? सब अलग अलग चीज लाजवाब है यहाँ पे। वैसे आप, मुझे लगता है आपको यहाँ का मालपुआ ट्राई करना चाहिए, जो बेहतरीन है। और वैसे कभी कभार इनके यहाँ पर 4 से 5 अलग अलग तरह के मालपुए मिलते हैं, बट आई थिंक अभी इन दिनों में आपको एक तो जो नॉर्मल यहाँ का मालपुआ है वो, और एक केसर का मालपुआ। केसर का मालपुआ, हाँ जी। तो आइए ट्राई करते हैं। चलो, ये गर्मा गर्म ही होता है। हाँ, ये एक्चुअली आप इस टाइम पे आए जब इनका वो ओवन चल नहीं रहा है। हाँ, नहीं तो सुबह और शाम ये टाइमिंग रहती है। दोनों टाइम होता है, दोनों टाइम। अच्छा अच्छा, आज काम का थोड़ा रोटेशन ज्यादा है इस वजह से। एक एक ही डालना भाई, एक एक ही। हाँ, अच्छा, क्या बात, मालपुए के साथ लीची क्रीम, ये मेरे नहीं चलेगा, वो वाला तो पास है ना, वो चलने वाला था नहीं। चलो, यहाँ के मालपुए की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। मालपुए तो बेसिकली जो मैदे के होते हैं, गेहूं के बनाते हैं, कोई बेसन का भी बना रहे, मगर यहाँ पे जो बासो, जो उसको क्या बोलते, रबड़ी के बनाते हैं। देखिए, बेसिकली मालपुआ जो बनता था पहले के जमाने में वो आटे के लोहे से, हाँ, लोहे से बनता था। पर पुष्कर एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस मालपुए को बिल्कुल अलग तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था। लगभग 100 साल पहले यहाँ पर रबड़ी के मालपुए बनाए गए, रबड़ी के, और जो ऐसे मालपुए बने कि इसको उसने पूरे दुनिया में धमाल मचा दी, धमाल मचा दी। तो पुष्कर जो भी आता है वो मालपुआ पैक कर खाता है और घर पे भी ले जाता है, मतलब नॉट ओनली फॉर हिम, अड़ोस पड़ोस के लिए लोगों के लिए तक भी वो लेकर प्रसाद के लिए ले जाते, प्रसाद के रूप में ले से मालपुआ ले जाता है। सही बात है। तो ये हमारे पास में एक तो केसर वाला है और ये है सादा वाला मालपुआ, सादा वाला। और ये है पिंटू जी, नमस्कार सर। आपकी मालपुए में खासियत क्या है? मालपुए तो हर जगह मिलता है, मगर आपका फेमस क्यों इतना? आप क्या ऐसा करते हो? एक्चुअल रबड़ी से बनता है मालपुआ। रबड़ी से बनता है, मतलब रबड़ी बना के फिर इसको मालपुए, उस रबड़ी को फ्राई किया जाता है। ओके, सब जगह आता जगह आपको आटे को फ्राई करे हुए मिलेंगे, तो ये रबड़ी से बना, प्योर रबड़ी। उसमें रबड़ी में थोड़ा लोड तो डालना पड़ता होगा ना उसमें? 1 किलो रबड़ी में 50 ग्राम मैदा पड़ता है, थोड़ा सा मैदा डालना पड़ता है, और फिर फ्राई करके इसको रस में डाला जाता है। अगर केसर का देना फ्लेवर तो केसर का रस, केसर के रस में डालते हैं, और फिर मेरा तो फिर रस में। क्या बात, कितने साल पुरानी दुकान है सर? अबाउ 4 पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी हो गया, ओ माय गॉड। वेल, परदादा जी ने की थी ये दुकान, सर्वेश्वर स्वीट्स, इसमें पुष्कर का एक ब्रांड है। अच्छा, लगभग रोजाना यहाँ पर आपको भीड़ ऐसी पड़ती दिखती है। आज पता नहीं क्यों, शायद हमारी किस्मत से हमें ज्यादा शॉट ना मिले हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है भीड़ कम है। अदरवाइज अगर आप कभी भी आते हैं तो फुल पैक, फुल पैक, हाँ, बहुत तगड़ा काम करते हैं। चलो, हम नजीक आओ मित्रों, मालपुआ जोई लियो। अच्छा, मालपुआ आने इधर, माल जो पड़ो है एट्ले जैसे मालपुआ नाम आप। पहला तो अपना सब्सक्राइबर ने कापे से खाओ, रोल कर दी,
इसका खाने का कुछ, अगर आप इसको इस तरह से मिला कर खाते हैं तो इसका स्वाद दुगना, चार गुना, दुगना नहीं चार गुना। लीची का साथ में मालपुआ, सो यू कैन आल्सो कॉल इट लीची मालपुआ। सही बात है, लीची का टेस्ट आएगा, लीची का। ये देसी तड़का है, ये देसी तड़का है। बारा लीची क्लिप भी हर जगह बनता है। रिमोट टेस्ट। और ये, ये आपने केसर वाला लिया था, ये सादा वाला, दिखने में सेम है पर स्वाद में आपको मालूम चल जाएगा। केसर से बढ़िया है ये ज्यादा अच्छा लगा आपको, क्या बात। मालपुआ जो नेचुरल मालपुआ है ना, उसी में मजा है, ये बात। उसको छेड़छाड़ करोगे ना तो मालपुआ मूड खराब कर देगा। एंजॉय करना हो तो सादा ही लो, क्योंकि आप उसको फील करोगे कि उसमें क्या क्या चीज है। वेरी ट्रू। केसर में क्या होगा, केसर ऐसी चीज है सब चीज फीका कर देती है, हर चीज में वही बारी रहती है। हाँ, इसलिए मैं दोनों लटकी है काटना, ओरिजिनल टेस्ट करना हो तो ऐसे खाओ। और ये लास्ट में लीची क्रीम, ये तो अकेले ही खाओ ऐसे ही लग, मजा आते है। दिल खुश हो गया पंडित जी, खुश कर जगह ही ऐसी बता। और यहाँ के लोग, आप आओगे ना आपको पता चल जाएगा कि आप दोबारा यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। फॉरेनर लोग आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं आए, किस किस दुनिया के किसी कोने से यहाँ पर आते हैं। सही बात है, अगर आप नहीं आए तो तुरंत आ जाइए। और मैं तो ये से बात कहूंगा कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर लोग पुष्कर में आना पसंद ज्यादा करते हैं। पुष्कर एक्चुअली शांत जगह है, शांत जगह, सस्ती जगह है। यहाँ पर आपको 200 रुपए का भी मिल जाएगा रूम और 50,000 रुपए का भी रूम मिल जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स आपका बजट क्या है। अगर आप 200 वाले हैं तो 200 के लिए भी स्वागत है, और अगर आप 50,000 वाले हैं तो 50,000 वाले के लिए भी स्वागत है। सब कैटेगरी में, हर कैटेगरी में। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, छेतर वाला धंधा यहाँ ना थी है क्या, देसी भाषा में क्या है ना, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा लूटने वाली बात नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बाहर वाला है तो इसको ज्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर दुनिया आती है, तो जहाँ पर दुनिया आती है और वहाँ पर अगर आप लूट मार करेंगे तो नहीं कर नहीं पाएंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे बस। यहाँ दुनिया, विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं जो 40-40 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, और हर दूसरे साल हर साल में यहाँ पर राउंड लगाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो यहाँ पर काय को आएगा, नहीं आएगा। आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगता है आप अपने घर पे हैं। सही बात है। और पुष्कर का नाम दूसरा नाम मालपुआ ना करिए, यहाँ पे आओ तो ये बनता ही है। सारो दोस्तों मरसू पास आवे तो अनोखा वीडियो, अनोखी दुनिया, अनोखो स्वाद लेंगे। त्यां लेकिन आपने कमेंट्स में दीजिए ना, सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, कमेंट करजो, अने पंडित जी ने चैनल ने पण सब्सक्राइब करजो। અને અહીંયા જ્યારે તમે પણ આવો ને ત્યારે આ માલપુઓ ખાવાનો ટેસ્ટ તો ભૂલતા નહીં, અમે બે ત્રણ જગ્યાએ જ કવર કરી છે મેન, કે જે સૌથી બેસ્ટ છે એક આ છે અને એ પહેલી વાલી રાધેજી, રાધેજી યે દોનો સબસે પુરાની હૈ ઓર સબસે ફર્સ્ટ નંબર ઉન લોકો કા આતા હૈ, તો જો તમારે લઈ જવાનો વિચાર હોય તો તમે લઈ જઈ શકો છો। અને આમનો પણ તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, કદાચ તમારે આ પાર્સલ કરતા હો સર, તો સ્ક્રીન ઉપર તમે નંબર જોઈ રહ્યા છો तो वो भाई का नंबर भी आ गया, और आप फोन करके ऑर्डर भी कर सकते हो और आपके वहां पे घर बैठे मिल जाएगा। विदेश वाला पण मंगावजो यार, मजा आवशे, माल हुआ એટલે यार। અને આ બીજું કે 20 દિવસ લગી રાણા કઈ થાતું નથી એટલે મોત થી મંગાવજો। જય માતાજી, જય મોકલે, જય હિન્દ, બાય બાય।